नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। और आप देख रहे हैं सुबह सवेर एक। खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली बहनों के नाम बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब बहनों को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, पुलिस में भर्ती के लिए 35% महिलाएं ही होंगी। और वही रसोई गैस को भी 450 रुपए देने के लिए तैयार किया गया है। और वही कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सौदेबाजी की सरकार की कलाकारी में मतदाता प्रभावित नहीं होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे। लाडली बहने आजीविका मिशन में आएगी और काम धंधे के लिए बैंक उन्हें लोन भी देगा। इसका ब्याज महज 2% होगा। सीएम ने आगे और भी ऐलान करते हुए कहा कि सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपए में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। इसके बाद परमानेंट व्यवस्था बनाएंगे ताकि बहनों को महंगा गैस सिलेंडर ना लेना पड़े। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया कि सौदेबाजी की सरकार की कलाकारी को प्रदेश के मतदाता समझ रहे हैं, इसीलिए किसी झांसे में आने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों महिलाओं को फोकस कर योजनाएं बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष लाडली बहना योजना के माध्यम से चुनावी नैया पार करने की जुगत में है, तो कांग्रेस पहले ही महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के दाव किसके पक्ष में होते हैं, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बता सकते हैं। iNews 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक केपी सिंह के बयान पर राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का पलटवार सामने आया है। कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस में तो कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं और धूम मचा रहे, लेकिन जनता मुख्यमंत्री तभी बनाएगी जब जनता को बीजेपी की सरकार बना रही है। दरअसल शिवपुरी जिले के पिछौर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बना तो पिछौर को जिला बनाएंगे। और वही आपको बता दें कि पिछौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रीतम सिंह लोधी को जिताने पर पिछौर को जिला बनाने की बात कही थी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने बयान दिया था। जी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी तरह धरातल पे कमजोर है, इसलिए ये ऐसे बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। बयानों के आधार पर अनगर बातों करने के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं, ऐसे सरकार नहीं बनती है। सरकार उसी की बनती है दिल से जनता से जुड़ाव रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक योजना ने और गवर्नमेंट के काम ने जनता के दिल में जगह बनाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा है। और इनकी गलत फहमियाँ 2023 में निकल जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल मंत्री बनने के बाद रविवार को रीवा पहुंचे और उनके साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला भी वहां पर मौजूद रहा। साथ ही समर्थकों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार वह मैहर पहुंचे, जहां मां शारदा की पूजा अर्चना की। और इसके बाद वह सड़क मार्ग से रीवा पहुंचे। राजेंद्र शुक्ला को विंध्य क्षेत्र के पार्टी में मजबूत चेहरा उनका माना जाता है। वहीं रीवा विधानसभा सीट से 4 बार लगातार विधायक रहे और वह चौथी बार मंत्री पद उन्हें मिला है। पार्टी की सरकार ने किया है, विधायक के नाते भी मेरी कोशिश रही है कि विंध्य की और रीवा की कोई भी विकास की योजनाएं रुकने ना पाए। अब हमारे प्रदेश और केंद्र के संगठन में और मुख्यमंत्री जी ने फिर से मंत्री बना के जो मुझे ताकत दी है उसका सदुपयोग किया जाएगा। ये वास्तव में मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान रीवा और विंध्य की जनता का है।
जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए मैं विंध्य की विकास में कोई कसर न तो पहले छोड़ा था विधायक के नाते और न मंत्री बनने के बाद छोड़ने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उसमें जबलपुर से किसी भी विधायक को मंत्री बनाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मसले पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एक बार फिर जबलपुर संभाग की उपेक्षा नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल भी किया और कहा कि आपकी नाराजगी जबलपुर से है या अजय विश्नोई से है। मध्य प्रदेश में वादों और घोषणाओं का दौर अब तेज होने लगा है। कांग्रेस जब जनता के बीच 11 गारंटी लेकर आई है, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि 11 वचनों के साथ प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ मैं आपके बीच आया हूँ, और वही बीजेपी पर तंज कसा है। और उन्होंने कहा कि 18 साल के शासनकाल के बाद भी प्रदेश सरकार को चुनावी चाल चलना पड़ रहा है और वही बीजेपी और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है। कांग्रेस जनता के बीच 11 गारंटी लेकर आई और अब बीजेपी इस मसले पर हमलावर है। कांग्रेस, आपको बता दें कि कांग्रेस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसे लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उनके द्वारा निशाना साधते हुए कहा गया कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की मशीन है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल पर भी उनके द्वारा सवाल उठाए गए और सवाल किया है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ के कौन सा वचन उनके द्वारा पूरा किया गया। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? मुझे थोड़ी दिक्कत है कि मीडिया के मित्र भी समाज के अभिन्न अंग हैं। आप चौथे स्तंभ हैं, आप समाज के वास्तविक परिदृश्य को सामने लाने वाले हैं। आप लोग कभी क्यों नहीं पूछते कमलनाथ जी थोड़ा बहुत झूठ बोलने में शर्म किया करो। आप पहले 15 महीने की सरकार में आपने कौन सा वचन पूरा किया था? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये कमलनाथ जी, तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जैसे बंटाढार जो चंद्रयान 3 पर भी क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे, देश को बदनाम करने का काम कर रहे थे, आप लोगों को ये जनता देश की और मध्य प्रदेश की गहराई से जानती है आप कितना झूठ बोलते हैं। भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी सीट से कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और पिछले दिनों उन्होंने महिला महाकुंभ का आयोजन भी किया था। टिकट नहीं मिलने पर सक्सेना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने का भी उनके द्वारा संकेत दे चुके हैं। और उधर मौजूदा विधायक पीसी शर्मा भी अपने पुख्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं और इलाके में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए वह लोगों को उज्जैन महाकाल मंदिर की यात्रा करा रहे हैं। यदि मुझसे कहेगी तो उनकी सेवा के लिए मैंने तो दर्द सहे है ना, मुझे झूठा फंसाया तो मैंने दर्द सहे। और जो है कितनी बार ऐसा हुआ, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, झूठे केस लगा दिए गए, बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो मैं तो खुले रूप से दावेदारी पेश कर रहा हूँ बिल्कुल साफ तौर पर कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को इंदौर के दौरे पर रहे जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में हमें प्रचंड बहुमत चाहिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारा एक ही लक्ष्य है, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कार्य में लग रहा है और हमको विजय अभियान की जरूरत है, प्रहलाद पटेल के द्वारा कहा गया। और इसी बीच आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा के सदस्य को चुनकर मतदाता भेजता है और वही राज्यसभा के लिए सभी विधायकों की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश सरकार बनाना काम संविधान काम, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अपना काम सदैव करती है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार के लिए सतत अपने काम में लगा रहे। हमको विजय अभियान की इसलिए जरूरत है कि लोकसभा के सदस्यों को चुनकर मतदाता भेजता है, लेकिन राज्यसभा के लिए विधायकों की जरूरत पड़ती है।
इसलिए हमको मध्य प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दिग्विजय के बीजेपी पर लगे दागे करने वाले उनके आरोप पर उनके द्वारा कहा गया है कि जितना दिमाग में दंगे होंगे और क्या कहेंगे, वही दंगे की मानसिकता रखने की ही उनके द्वारा अपराध है और वही दंगे की मानसिकता से ही बाहर आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौदागर कहे जाने के बयान पर भी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया है कि सौदागर कहना या दंगे कराने की भाषा जिसकी मानसिकता जैसी होगी वह जैसा सोचता है वह प्रत्याशियों की सूची पर। मंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी लेकिन मई जून में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन अब क्या हुआ, कहां गया कांग्रेस का दावा। जिनके दिमाग में दंगे होंगे, आप याद करो दिग्विजय सिंह जी शासनकाल, उनके काल में दंगे होते थे। ये तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार है जहां पूरे प्रदेश में 20 साल में एक दंगा नहीं हुआ। तो ये दंगे की मानसिकता रखना ही अपराध है। कांग्रेस के नेताओं से निवेदन है कि वो अपनी दूषित मानसिकता से बाहर आए, इसी की कीमत में वर्षों चुकाइए और दोबारा अगर इसी बात करेंगे तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि रतलाम के करमदी गांव धार्मिक झंडा लगाए जाने को लेकर अब मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला धर्म ध्वजा से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर अलग अलग स्थानों पर लगाने के प्रयास में प्रशासन ने ग्रामीणों के विरोध का सामना करा और वहां पर धर्म ध्वज नहीं लगाए जाने के लिए ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। दरअसल खेड़ापति हनुमान जी मंदिर के पास जैन मंदिर स्थित है और वहां पर कुछ देर पहले भगवा ध्वज लगाने जैसे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। गांव में खेड़ापति हनुमान जी मंदिर है, ये करीब 150-200 वर्ष पुराना है और यहाँ पे जैन मंदिर भी है, सरकारी भूमि है। यहाँ पे कलेक्टर का कहना है कि ये पूरी भूमि सरकारी है। हम 14 तारीख को रात को यहाँ पे ध्वजा लगा रहे थे तो जैन लोगों ने आके विरोध किया और हम ध्वज लगा रहे थे तो उन्होंने उसके बाद थाना घेरा और थाना घेरने के बाद उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाया। देखो कांग्रेस के नेता जब भी कोई मुद्दा होता है तो उस भले ही धर्म का मुद्दा हो या कोई से भी दूसरे मुद्दे हो उसमें सबसे पहले राजनीतिकरण करते हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो बोला जा रहा है करमदी के मंदिर के बारे में ध्वजा और सारी चीज़ों में, ये जो है प्रशासनिक मैटर है। जिस प्रकार से करमदी गांव का जो मामला है, वहां पे बजरंग बली का स्थान है, कई वर्षों से झंडा लगा हुआ, लेकिन जब उस ध्वज को नए रूप में लगाया गया तो प्रशासन ने उस झंडे को उतरवा दिया। वो जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जब कलेक्टर के पास गए तो उनको डराया गया, धमकाया गया। देखिए जैसा आपको विदित है कि जो यहाँ पे ध्वजा को स्थापित करने के लिए जो विवाद चला था उसमें ग्रामीण जन और दोनों पक्ष दोनों लगातार इस समस्या का सुलझाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। आज SP साहब पुलिस बल इत्यादि के साथ में हम यहाँ पे आए थे, ग्रामीणों से हमने चर्चा करी। हालांकि मत भिन्नता थी लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि धर्म ध्वजा पर्टिकुलर स्थान पर रख जाए, कुछ लोग नहीं चाहते थे, पर चूंकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चाहा कि उसको पुनः जो पुराना स्थान है वहीं स्थापित होना चाहिए तो आज उसको स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। जबलपुर में पुलिस ने 20 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। बरामद गांजे की कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस मंडला रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और इस दौरान एक ट्रक को रोका गया तो उसमें ड्राइवर और हेल्पर भागने की कोशिश करने लगे। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजे की खेप उड़ीसा से हरियाणा लेकर जा रहे थे। इसमें 2023 चुनाव को लेकर जो मध्य प्रदेश पुलिस है और चुनाव आयोग है वो लगातार ऐसे निर्देश जारी कर रहा है कि जो नशे के कारोबारी हैं और जो नशे का बड़ा कारोबार करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें जेल के सीखों के अंदर पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस ने थाना तलवारा क्षेत्र के में एक ट्रक को यहाँ जब्त किया है और ये वही ट्रक है जो कि इस ट्रक के अंदर
लगभग 1200 किलो जो गांजा है वो यहाँ पर इसमें भरा हुआ था, और इस ट्रक में जो नीलगिरी की लकड़ियाँ हैं वो उसमें छुपा कर ये गांजा उड़ीसा से हरियाणा के लिए यहाँ से रवाना किया गया था। लेकिन जो बीच जब तलवारा पुलिस ने इसे सर्चिंग अभियान चलाया, तो इस दौरान जब इस ट्रक की तलाशी ली गई तब ये पुलिस ने इस पूरे गांजे को यहाँ पर अंदर से जब्त किया, और इसके साथ ही तो इस जो ड्राइवर है इस ट्रक का और क्लीनर है उसे यहाँ गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। अभी यहाँ पर आपको बता दें ये जो 1200 क्विंटल गांजा है ये पूरे पैकेटों में पैक करके इसे यहाँ से इस ट्रक में छुपा कर हरियाणा के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन ये जो गांजा तस्कर हैं ये यहाँ जबलपुर की तलवारा पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस अभी यहाँ पर आपको बता दें जो जबलपुर के यहाँ के IG हैं और जो कि SP हैं वो लगातार जो ट्रक ड्राइवर है और हेल्पर है उनसे पूछताछ में जुटे हुए हैं कि इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, और इसका जो गांजा बड़ा बड़ी मछली है गांजा जो सप्लाई करती है वो कहाँ की रहने वाली है, और जल्द ही उसका एक बड़ा खुलासा यहाँ थाना तलवारा पुलिस कर सकती है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। लगातार नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए जबलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे DGP साहब और एडिशनल DG साहब सभी लोगों के निर्देश थे कि विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और उसी को हम लोगों ने डेवलप करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों की जो चेकिंग लगी थी उसमें उस चेकिंग में बड़ी मात्रा में एक ट्रक जिसमें नीलगिरी की लकड़ियां लोड थी उसमें अंदर छिपा के 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा लोड करके ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के बघोरा रेलवे स्टेशन के पास OHI तार टूटने से हड़कंप मच गया। वहां पर तार टूटकर बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन पर आ गिरा। हालांकि बड़ी दुर्घटना टल गई, और वही घटना के चलते लगभग ट्रेन में 12 बजे के बाद कई घंटों तक वहां पर खड़ी रही, और यात्री जो है वो परेशान होते रहे और वहां पर पैदल ही रवाना होने के लिए यात्री मजबूर हो गए। दरअसल बिलासपुर भोपाल ट्रेन जैसे ही खुरे स्टेशन से निकली तो वहां पर ट्रेन ड्राइवर को OHI तार हिलाते हुए नजर आ रहे थे, और इसके बाद ट्रेन ड्राइवर ने बघोरा रेलवे स्टेशन के पास से ट्रेन को रोक दिया, और इसके बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचकर व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। पुर से बैठे हम ट्रेन में, यहां दुर्घटना हुई और ये पूरा कम से कम 150 खंभा के तार वायर टूटा हुआ है। ये करीबन 12 बजे की बात है। हम नरियाली से आ रहे थे, नरियाली से भोपाल के लिए बैठी थी, बीच में फराई निकले, फराई से बघोरा के बीच में ट्रेन के एकदम से पहले पत्थर कैसी आवाज है, फिर एकदम से तार टूट गया बहुत तेज की स्पार्किंग की होने लगी, ट्रेन और गेटों में तार गला, सब लोगों ने चेन खींची, खींची के बाद हम लोग निकले। थोड़ी लापरवाही समझ में आई, हमको समझ में भी नहीं आया इतना बड़ी घटना हो गई, हम सब लोग चिल्ला रहे इसके बाद।